माई सेल्फ वरुण कुमार। यह वीडियो 11th क्लास के लिए है। चैप्टर नेम है गैसीय एवं द्रव अवस्थाएं। इसमें सबसे पहले समझना है गैस समीकरण क्या होते हैं। जो समीकरण किसी गैस की निश्चित मात्रा के दाब, आयतन और ताप में संबंध व्यक्त करती है गैस समीकरण कहलाती है। वाइल्स और चार्ल्स के नियमों को गणितीय रूप में मिलाकर गैस समीकरण स्थापित की जाती है। इसमें सबसे पहले समझना है वाइल का नियम। वाइल का नियम क्या होता है इसको समझना है, ठीक है। जैसे आपको इस चित्र में चार सिलेंडर दिखाए गए हैं। पहले सिलेंडर में दाब P लग रहा है तो उस समय आयतन V है। दूसरे चित्र में हमने दाब को डबल कर दिया है तो आयतन आधा हो गया है। तीसरे चित्र में दाब को तीन गुना कर दिया है तो आयतन उसका 1/3 V/3 हो गया है। और चौथे चित्र में दाब को चार गुना कर दिया है तो आयतन V/4 हो गया है। यह सभी वाइल्स ने स्थिर ताप पर यह एक्सपेरिमेंट किया था। तो वाइल्स ने इसको बताया था कि स्थिर ताप पर यदि किसी गैस की निश्चित मात्रा का जो आयतन है वो उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/P। इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक स्थिरांक लेंगे के, तो हो जाएगा बी बराबर के 1/P, यानी बी बराबर के 1/P। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो पी बी बराबर के, ठीक। यदि दो गैसें हैं तो क्या करेंगे, तो उसमें समीकरण बना देंगे P1V1 = K equation 1, P2V2 = K equation 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा P1V1 = P2V2, ठीक है। इस फॉर्मूले पर सवाल लगेंगे। समझ में आ गया वाइल का नियम क्या है, ठीक, ओके।